तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग को आज के एक न्यू वीडियो में। तो दोस्तों, आज का वीडियो हम लोग कुछ इस टाइप का फोटो एडिटिंग करेंगे, जो कि देख सकते हैं वाला हम लोग ओरिजिनल फोटो, इसको मैंने हम लोग एडिटिंग करेंगे स्नैपचैट के अंदर। तो यार, वीडियो में एंड तक बने रहिए। चैनल पर जो जो भाई लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए, ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचते रहें। तो वीडियो को आप लोग अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए फ्रेंड्स, और इंस्टाग्राम पे आप लोग अभी तक हमको फॉलो नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ पे से आप लोग फॉलो कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले ये सब एडिटिंग का फोटो अब हम सबसे पहले वही पे डालते हैं। और मेरा यूट्यूब में फर्स्ट ब्लॉग आ रहा है फ्रेंड्स, तो उस चैनल का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ से ब्लॉग देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो यार, चलिए बिना देरी किए हम लोग आज के एडिटिंग स्टार्ट करते हैं। तो यार, हम लोग का जो फोटो है वाला फोटो को हम लोग लेके चलेंगे स्नैपसीड ऐप के अंदर। तो उसके लिए शेयर बटन में हम लोग क्लिक करेंगे और यहाँ से लेके चलेंगे स्नैपसीड ऐप के अंदर। तो स्नैपसीड ऐप के अंदर दोस्तों हम लोग आ चुके हैं। यहाँ पर आने के बाद आप लोग को सिंपली जो यहाँ पे दिखेगा, आप लोग को स्टाइलिश में ये वाला फिल्टर का आप लोग को चॉइस करना है, जो यहाँ पर ये वाला फिल्टर सब लोग को दिखेगा एक्यूरेट का, तो ये वाला आप लोग को ब्रश को ले फिल्टर को ले लेना है। यहाँ फिल्टर को क्लिक कर देना है, कुछ जस्ट कुछ सेकंड आप लोग को यहाँ पे फोटो हम लोग का यहाँ पर बन रहा है, इसलिए कुछ सेकंड आपको ऐड करना होगा यहाँ पर। तो हम लोग का फोटो कुछ इस टाइप का बन चुका है फ्रेंड्स। उसके बाद हम सब चलेंगे सिंपली यहाँ से डन कर देंगे, और डन करने के बाद यहाँ से चलेंगे हम लोग सिंपली यहाँ पर टूल्स वाला ऑप्शन है, तो फोटो को स्मूथ करने के लिए हम लोग चलेंगे यहाँ पर जो लेंस ब्लर है उसमें क्लिक करेंगे, और इसको पूरा छोटा कर देंगे और इसको कुछ नीचे साइड में कर देंगे इसको इस टाइप से। उसके बाद हम लोग इसको ब्लर पर रखेंगे 42+, और ये सबको हम लोग बिगिनेट को थोड़ा सा रखेंगे फिर। उसके बाद हम इसे डन कर देंगे। डन करने के बाद कुछ सेकंड यहाँ पे, उसके बाद यहाँ से चलेंगे हम लोग ऊपर में, जो आप लोग को ऐसा दिख जाएगा ऊपर में ये वाला ऑप्शन, इसमें आप लोग को क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अभी आप लोग को जो है वीडियो एडिट का ऑप्शन दिखेगा आप लोग को ये वाला, इसमें क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद अभी आप लोग को जो है आप लोग के सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिखेगा लेंस ब्लर का, तो इसको आप लोग को क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद यहाँ से आप लोग को कुछ स्टेप्स यहाँ से दिखेगा आप लोग को, तो यहाँ पर आप लोग को क्लिक कर देना है फ्रेंड्स। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप लोग को फिर से यहाँ से चले जाना है, उसके बाद आप लोग को यहाँ पे इसको 100 कर लेना है। इसको आप लोग जीरो रहेगा तो इसको आप लोग 100 कर देना है। उसके बाद ऐसे हम लोग कुछ फेस में स्मूथिंग करने के लिए यहाँ से कुछ स्टेप्स चलाना है फ्रेंड्स। अभी देख सकते हैं फेस हम लोग का कितना बढ़िया तरीके से स्मूथ हो रहा है फ्रेंड्स। तो आप लोग को इतना में करना है, 100 रखना है इसको, तो फिर आप लोग को ऐसे स्मूथ हो पाएगा फ्रेंड्स। तो हम लोग ऐसे फटाफट से स्मूथ कर लेंगे, देख सकते हैं कितने बढ़िया तरीके से यहाँ से स्मूथ हो रहा है। हम लोग वीडियो को थोड़ा फास्ट कर देंगे। और इतना होने के बाद हम लोग फोटो को यहाँ से डन कर देंगे। तो डन करने के लिए यार यहाँ पे हम लोग ब्रश वाला आइकन में क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद यहाँ से हम लोग जो यहाँ पे आप लोग को राइट क्लिक दिख जाएगा नीचे तरफ, आप लोग को यहाँ पे क्लिक कर देना है फ्रेंड्स। क्लिक करने के बाद आप लोग को यहाँ से सिंपली आप लोग को ऊपर में एक बैक का बटन दिखेगा, तो आप लोग को बैक का बटन में आप लोग को क्लिक कर देना है। बैक करने के बाद ऐसा हम लोग फेस में थोड़ा सा काला काला दिख रहा है, तो हम लोग को फेस को ब्राइटनेस बढ़ाने के लिए यहाँ पर हम लोग फिर से टूल्स वाला जो ऑप्शन है यहाँ पर, टूल्स वाला ऑप्शन में हम लोग क्लिक करेंगे यहाँ पर। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यार यहाँ से हम लोग चलेंगे जो हम लोग का सिलेक्टिव टूल है यहाँ पे, तो आप लोग को यहाँ पे दिख जाएगा जो सिलेक्टिव टूल है, इस सिलेक्टिव टूल में आप लोग को क्लिक कर देना है। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद हम लोग यहाँ पे फेस में कुछ इस टाइप से यहाँ पे टच करेंगे और इतना से रखेंगे साइज को, और रखने के बाद साइज को आप लोग सब बढ़ाने का तरीका है ऐसे मतलब फोटो को दोनों उंगली से टच करके इधर ऊपर तरफ खींचिएगा तो बढ़ेगा, और छोटा करिएगा तो छोटा हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से फिर फेस का ब्राइटनेस को हम लोग बढ़ाएंगे यहाँ पे
67 रखेंगे और कॉन्ट्रेस्ट को रखेंगे 15, माइनस 15 रखना है। उसके बाद सेचुरेशन को हम लोग रखेंगे 31 प्लस। उसके बाद स्ट्रक्चर को हम लोग इसका रखेंगे माइनस 34। उसके बाद इसको कॉपी कर लेंगे और नीचे भी कुछ स्टेप्स इसको पेस्ट कर देंगे और फिर से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। इसका साइज को छोटा कर लेंगे यहाँ पे। उसके बाद फिर से इसको कॉपी कर देंगे और जहाँ जहाँ पे काला काला ज़्यादा दिख रहा है वहाँ पे हम लोग पेस्ट कर देंगे इसको। उसके बाद हम लोग सिंपली डन कर देंगे फोटो को। और डन करने के बाद देख सकते हैं बिफोर आफ्टर कितना बढ़िया लुक आ चुका है फोटो हम लोग का। और उसके बाद हम लोग चलेंगे यहाँ पे टूल्स वाला ऑप्शन में। और यहाँ पे जो आप लोग को दिखेगा पोर्ट्रेट का ऑप्शन है वो हम लोग को ब्रश का आइकन देखे दिखा देते हैं। यहाँ पे पोर्ट्रेट का ऑप्शन दिखेगा आप लोग को, तो पोर्ट्रेट वाला में क्लिक कर देना है। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप लोग का कुछ फोटो रिसर्च हो रहा है। उसके बाद यार यहाँ पे बहुत सारा फिल्टर आप लोग को दिख जाएगा, तो आप लोग को यहाँ पे स्मूथ 2 वाला को क्लिक करना है। स्मूथ 2 को क्लिक करने के बाद यहाँ से आप लोग को जो फेस स्पॉट लाइट है इसको आप लोग को कुछ इस टाइप से प्लस 41 कर देना है। और उसके बाद स्किन स्मूथिंग को आप लोग को 100 बढ़ा देना है, तो आप लोग का फेस स्मूथ हो जाएगा। और आई क्लैरिटी ज़्यादा बढ़ेगा तो आप लोग का आंख ज़्यादा दिखेगा, तो आप लोग को आई क्लैरिटी को थोड़ा सा बढ़ाना है प्लस 2 के आसपास। उसके बाद यहाँ से सिंपली आप लोग को डन कर देना है फोटो को। और डन करने के बाद यहाँ से हम लोग चलेंगे टूल्स वाला आइकन में, फिर से हम लोग चलेंगे। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आप लोग को जो व्हाइट बैलेंस है व्हाइट बैलेंस में आप लोग को क्लिक करना है फ्रेंड्स, नहीं सॉरी यहाँ पर आप लोग को चलना है ब्लैक एंड व्हाइट में। ब्लैक एंड व्हाइट में जा करके यहाँ से आप लोग को जो डार्क 1 है इसको आप लोग को सिलेक्ट कर लेना है और इसका ब्राइटनेस को हम लोग -5 रखेंगे। उसके बाद यहाँ से हम लोग सिंपली फोटो को डन कर देंगे। और डन करने के बाद अभी चलेंगे ऊपर में, वो दिखेगा आप लोग को ये वाला आइकॉन, यहाँ से आप लोग को क्लिक कर देना है फ्रेंड्स। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप लोग को चलना है फिर से यहाँ पे जो व्यू एडिट्स हैं व्यू एडिट्स में क्लिक कर रहे हैं। और उसके बाद यहाँ चलेंगे हम लोग फिर से यहाँ पे जो हम लोग का यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट है इसमें आप लोग को क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से हम लोग को फिर से जो ये वाला है इसमें आप लोग को क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद यहाँ से हम लोग बैकग्राउंड को पूरा काला कर देंगे फ्रेंड्स यहाँ से। उसको देख लेंगे इसको 100 कर देंगे और उसके बाद यहाँ से कुछ स्टेप से इसको चला लेंगे। तो आप लोग को खाली बैकग्राउंड में करना है फ्रेंड्स, कहीं पे इधर उधर होना नहीं चाहिए, तभी आप लोग को फोटो अच्छा पाएगा। हम लोग खाली इसमें बैकग्राउंड में पेस्ट करेंगे इसको, तो आप लोग को फोटो को पूरा जूम कर लेना है और कुछ स्टेप से पूरा चला लेना है फ्रेंड्स। तो हम लोग यार वीडियो को से थोड़ा सा फास्ट कर देंगे। तो यार यहाँ पे हम लोग को बैकग्राउंड डार्क कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद यार हम लोग चलेंगे यहाँ पे सिंपली यहाँ पे फोटो को हम लोग जो राइट क्लिक है हम लोग का नीचे में इसमें हम लोग को क्लिक कर देना है। उसके बाद क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ से हम लोग सिंपली बैक कर देंगे फोटो को। और बैक करने के बाद यहाँ से हम लोग फिर से यहाँ पे टूल्स वाला जो आइकॉन है आप लोग को टूल्स वाला में क्लिक कर देना है फ्रेंड्स। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप लोग को यहाँ पे जो व्हाइट बैलेंस दिख रहा है यहाँ पे आप लोग को व्हाइट बैलेंस में क्लिक कर देना है। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप लोग को यहाँ पे टेम्परेचर को आप लोग को -22 में रख देना है और इसका टिंट को आप लोग को थोड़ा सा बढ़ा देना है फ्रेंड्स +32 में रख देना है। उसके बाद इसे हम लोग सिंपली फोटो को डन कर देंगे। और डन करने के बाद फिर से हम लोग को चलना होगा ऊपर में जो ये वाला आइकॉन है इसमें आप लोग को क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद हम लोग फिर से चलेंगे यहाँ पे जो व्यू एडिट्स है व्यू एडिट्स में आप लोग को क्लिक कर देना है। और यहाँ से हम लोग जो सबसे ऊपर में जो व्हाइट बैलेंस है व्हाइट बैलेंस में हम लोग क्लिक करना है। देख सकते हो यार कितना सारा टूल का यूज हुआ है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे फिर यहाँ से हम लोग चलेंगे जो एडिट का ऑप्शन है इसमें आ करके हम लोग पूरा यहाँ पे इन्वर्ट में जो आप लोग को यहाँ पे इन्वर्ट वाला एक ऑप्शन दिख जाएगा कुछ ही स्टेप्स हैं इन्वर्ट का ऑप्शन है यहाँ पे इन्वर्ट में आप लोग को क्लिक कर देना तो पूरा फोटो पेस्ट हो जाएगा। तो हम लोग को यहाँ पे इसको 0 में रखना है जो व्हाइट बैलेंस है हम लोग का। कुछ ही स्टेप से चेहरा से इसको हटा लेंगे हम लोग।
अब इतना होने के बाद फ़ोटो को हम लोग सिंपली यहाँ से डन कर देंगे। और डन करने के बाद यहाँ से हम लोग फ़ोटो को बैक कर लेंगे। और बैक करने के बाद देख सकते हैं फ़ोटो में हम लोग बिफोर आफ्टर। उसके बाद इससे हम लोग चलेंगे फिर से टूल्स के आइकन में, और यहाँ से आकर के हम लोग सिलेक्टिव टूल में चले जाएंगे और यहाँ से फेस पे इसको क्लिक करेंगे और थोड़ा सा इसका ब्राइटनेस को घटाएंगे और ऐसे कॉन्ट्रास्ट को हम लोग थोड़ा सा बढ़ाएंगे। उसको सैचुरेशन को थोड़ा सा माइनस कर देंगे, इसका स्ट्रक्चर को हम लोग थोड़ा सा माइनस कर देंगे। उसके बाद इसको हम लोग यहाँ पर कॉपी कर देंगे और जहाँ जहाँ पर रेड रेड टाइप का दिख रहा है वो पेस्ट कर देंगे। हम लोग हम सभी जगह पेस्ट कर देंगे। उसके बाद यहाँ से पहले डन कर देंगे फ़ोटो को। डन करने के बाद टूल्स वाला ऑप्शन में फिर से चले जाएंगे और यहाँ से हम लोग चलेंगे पोर्ट्रेट में। और यहाँ पे हम लोग स्मूथ वन को लेंगे और यहाँ से फेस स्मूथ लाइट को हम लोग करीबन 44 में रखेंगे। उसके बाद सिंपली डन कर देंगे फ़ोटो को। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। तो वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे जो जो बंदा नहीं है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स, और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचते रहे। तो आज का वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और आप लोग ऐसे अच्छे अच्छे फोटो एडिटिंग करते रहिए फ्रेंड्स।